हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग क्यों है, ये भी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। देखिए, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। तीन चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। पहला, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं, कितना पैसा चाहिए, फिर कहाँ से आएगा, चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड हाउ द फंड्स विल बी यूटिलाइज। तीन है, हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड, नंबर वन, नंबर टू फ्रॉम वेयर, और तीसरा हाउ टू यूज। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। तीन स्टेप है, हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड, वेयर विल यू गेट दोज फंड फ्रॉम एंड हाउ विल यू यूज दैट फंड। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हमें तीन चीज को डिसाइड करते हैं, इन तीन चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम इस कहते हैं कि वी आर डूइंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब सीधा आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों जरूरत है ये जानना कि कितने पैसे चाहिए, कहां से आएंगे और कहां यूज करेंगे। सबसे पहले, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस। देखो, बिजनेस में ना ही फंड शॉर्ट होने चाहिए, ना ही फंड सरप्लस होने चाहिए। फंड शॉर्टेज होंगे तो ऑब्वियसली आप बिजनेस एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकोगे, प्रोडक्शन नहीं कर सकोगे, आप कस्टमर के नीड को नहीं मीट कर सकोगे। ठीक है, आपकी गुडविल खराब होगी, लोग सोचेंगे यार उसके पास तो माल रहता ही नहीं, उसके शॉप में जाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके पास सरप्लस फंड रह जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फंड जो सरप्लस है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना, और यूज़ भी नहीं कर रहे हो। जब उस फंड पड़ा रह जाए उस पर आप इंटरेस्ट दोगे और बिजनेस में आप यूज़ भी नहीं कर पाओ, तब तो आप इंटरेस्ट उसको फालतू का दे रहे हो। हाँ, उस फंड को यूज़ करके कुछ कमाते और कमा के इंटरेस्ट देते तो फायदा होता। अगर फंड्स आपके भी हैं तो भाई सरप्लस क्यों रखा बिजनेस पे, उस फंड को आप कहीं और यूज़ करो ताकि वो फंड आपके लिए पैसा कमा के, जब पैसा ही पैसे को कमाता है। तो अगर सरप्लस फंड रह जाए और वो कहीं यूज़ ना हो तो वो भी सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। ठीक है, शॉर्टेज तो नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज इंटेलिजेंट एस्टिमेट्स ऑफ करेंट एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट मेड इन फाइनेंशियल आर मेड इन फाइनेंशियल प्लान। दिमाग से काम करना है। अगर एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट फाइनेंस प्लान रहा, द बिजनेस में फेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड ग्रोथ माइट बी रिस्ट्रिक्टेड। भैया फंड शॉर्टेज हो जाएंगे, सही टाइम पे जब पैसा चाहिए तब रहेगा नहीं, तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू द शेयर होल्डर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखना है, कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी रखना है। इक्विटी इज आइदर योर फंड या शेयर होल्डर्स के फंड। ठीक है, अब भाई इक्विटी कितना रखोगे, डेट कितना लोगे, सो दैट शेयर होल्डर्स को आप मैक्सिमम रिटर्न दे सकें। बैलेंस बनाना है फाइनेंशियल प्लानिंग में। यही तो डिसाइड करते हैं कि डेट बाय इक्विटी, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कितना इक्विटी रखेंगे, कितना डेट रखेंगे, सो दैट हमें लॉस ना हो और शेयर होल्डर्स को फायदा हो। जब तक शेयर होल्डर्स को आपके बिजनेस से फायदा नहीं होगा, आपका बिजनेस कभी एक्सपैंड नहीं कर सकता है। अगर शेयर होल्डर्स खुश हैं तो आपके पास फंड्स आते रहेंगे, क्योंकि और नए शेयर होल्डर्स आपके पास आके पैसा लगाना चाहेंगे। और अगर आप शेयर होल्डर्स को खुश नहीं रख रहे हो तो भूल जाना कि आप बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही एक्सपेंशन के बारे आप सोचोगे कि नया फंड हम रेज करते हैं, आपके कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही हुआ था अनिल अंबानी की कंपनी का। मुकेश अंबानी इज द एल्डर ब्रदर, अनिल अंबानी छोटा भाई है, लेकिन वो एक टाइम में उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसने अपने शेयर होल्डर्स के बारे सोचा नहीं, शेयर होल्डर्स को कभी खुश नहीं रखा, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, उसका बिजनेस जीरो पे आ गया। मुकेश अंबानी कॉन्ट्ररी अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा खुश रखता है, ध्यान रखता है कि मेरे शेयर होल्डर्स खुश रहें, डिविडेंड टाइम पे देना, शेयर की जो वैल्यू अप्रिशिएट होना, वो सब होता रहता है। तभी तो मुकेश अंबानी आज जहां है वो इसलिए है बिकॉज शेयर होल्डर्स को उन्होंने हमेशा खुश रखा। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फंड को बैलेंस करना सो दैट शेयर होल्डर्स खुश रहें। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। भैया प्लानिंग की है तो फंड्स आपके पास रहेंगे तो उसको आप सही से यूटिलाइज कर सकेंगे, सही जगह एलोकेट कर सकेंगे, सही जगह लगा सकेंगे। फंड को गलत जगह लगा दिया तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो लिमिटेड फंड्स है बिजनेस के पास। देखो, हर बिजनेस के पास फंड्स लिमिटेड ही रहते हैं। शायद रिलायंस को भी लगता होगा कि उनके पास फंड्स लिमिटेड है। तो आप जब लिमिटेड फंड्स को सही तरीके से नहीं लगाओगे, एलोकेट नहीं करोगे, तो फंस जाओगे। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। इसलिए मैंने बोला कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कितने चाहिए, कहाँ से आएंगे एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है। फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। हम फंड्स को उसी
प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिस प्रोजेक्ट से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। आप एस्टिमेट ही लगा सकते हो, ऑब्वियसली आप भगवान तो नहीं हो कि आप श्योरली बोल पाओगे कि इसमें तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, लेकिन आप एस्टिमेट लगाओ, प्लानिंग करो, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें लगाने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, इसमें लगाने से रिटर्न शायद आपको कम मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल और डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली की है तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शंस एरिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। दो अलग अलग डिपार्टमेंट, बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबके आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत, मतलब आपके बिजनेस में पैसा बहुत बर्बाद हो सकता है। लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर बना लिया, पैकेजिंग बहुत अच्छी कर दी, लेकिन मार्केटिंग वाले जो हैं उसको ठीक से प्रमोट नहीं कर सके, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने इतना पैसा लगा के प्रोडक्ट बनाया, अच्छी पैकेजिंग की, और मार्केटिंग वाले एंड ऑफ द डे आपसे कोऑर्डिनेशन में नहीं, मतलब उन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया और आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कस्टमर्स को नहीं बेच पाए, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली पैसा तो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इट इज़ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ताकि ये किसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताती, ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है बिजनेस में वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, सो दैट आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली, क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता है ना, एक प्रोडक्शन होता है, एक सेल्स होता है, एक पैकेजिंग होता है, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का। तो सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल प्लान एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैन बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान यूटिलाइजेशन। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग सही से कर रहे हो तो मैनेजमेंट जो है वो नजर रख पाएगी कि फंड जो है एक्चुअल यूटिलाइजेशन, जहां यूटिलाइज हो रहा है, ये कीवर्ड है, एंड ऑफ फंड्स कैन बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्लान यूटिलाइजेशन। जो हाँ आपने प्लान किया था कि इस फंड को हम यहाँ यूज करेंगे, तो मैनेजमेंट उस पर नजर रख सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है कि एक्चुअली वहीं यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एनेबल्स द मैनेजमेंट, इसको अगर सही तरीके से फाइनेंशियल प्लान किया होगा तो मैनेजमेंट को पता होता है कि अगर ये 4 करोड़ रुपए फंड से निकले हैं तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में यूज़ होंगे, तो मैनेजमेंट उसको देख सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है कि वहीं यूज़ हुए हैं कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर वहाँ यूज़ नहीं हो रहे हैं, किसी और तरीके से यूज़ हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई कर सकती है कि भाई ये 4 करोड़ रुपये तो यहाँ यूज़ होने थे, आप वहाँ नहीं यूज़ करके यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज इन द फ्यूचर। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप डेफिनेटली फंड का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए ज़रूर रखोगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा बिजनेस में अनसर्टिनिटी आ जाए जिससे बिजनेस को लॉस हो रहा हो, तो आप इमरजेंसी फंड यूज़ करके उसको वहाँ से, आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के इतने सारे जो हैं इम्पोर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आता भी है। तो आई होप मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।